तो अब रॉक का रिटर्न कंफर्म हो चुका है आने वाले स्मैकडाउन के लिए। जो आने वाला स्मैकडाउन होगा ना अगला, ठीक उसी के अंदर आपको रॉक का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि रॉक हमको कैसे देखने को मिलेंगे, क्या रॉक का कोई मैच भी होने वाला है स्मैकडाउन के अंदर या फिर नहीं। और अगर आप लोग रोमन रेंस के फैन हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। और ब्लड लाइन के अंदर एक और नया बंदा आने वाला है जिसकी फोटो भी सोलो सिको शेयर करते हैं पूरी अपनी ब्लड लाइन के साथ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो एक एक करके सारी अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना क्योंकि अगर आप वीडियो को छोड़ के जाओगे तो अपडेट्स आपको छोड़ के चली जाएगी। बात एक है, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखो या फिर रसल शॉर्ट्स की वीडियो देखो अपडेट सेम ही होती है। तो सपोर्ट करना भाई, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो क्या हुआ मंडे नाइट रॉ के अंदर, आप सभी लोगों को बताया ड्रू मैकइंटायर आए, उन्होंने बहुत गंदी तरह अटैक किया सीएम पंक के ऊपर। जबकि सीएम पंक ने बोल दिया था कि बैस्टियन बनने के बाद हमारी रिवैलिटी खत्म हो चुकी है, मैं और ड्रू मैकइंटायर तो मैं कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद भी क्या हुआ, ड्रू मैकइंटायर आए मंडे नाइट रॉ के ऊपर, उन्होंने सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया। हैरानी तो आपको ये बात सुन के होगी कि ड्रू मैकइंटायर ने बोला कि हम दोनों की रिवैलिटी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक या तो हम दोनों में से कोई भी WWE को छोड़कर ना चले जाए या फिर अपना रोस्टर चेंज ना करवा ले। ड्रू मैकइंटायर इस बात को भी बोलते हैं कि अगर सीएम पंक मेरे साथ में मंडे नाइट रॉ के अंदर रहेगा तो वो मेरे से रोज पिटेगा, और एक ही मंडे नाइट रॉ के अंदर हम दोनों रह नहीं सकते हैं, तो एक को तो अपना रोस्टर चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ कहना है ड्रू मैकइंटायर का। और अभी एक और न्यू अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE ने अब इन दोनों का मैच कंफर्म कर दिया है हेल इन अ सेल बैड ब्लड के लिए। और बैड ब्लड आपको पता होगा अगला ही प्रीमियम लाइव इवेंट है बैश इन बर्लिन के बाद, तो वहां पर WWE अब इन दोनों का मैच कंफर्म कर दिया है। क्योंकि नॉर्मल मैच नहीं होने वाले, बैड ब्लड के अंदर मैच हेल इन अ सेल मैच होगा जहाँ पे कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होंगे ही नहीं। वहां पर ये दोनों अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर, और इन दोनों में से एक इतनी गंदी तरह पिटेगा ना जो की 3 या फिर 4 महीनों तक तो WWE के अंदर हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। अब ये कुछ अपडेट है सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर को लेकर, इनका मैच बैड ब्लड के लिए कंफर्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या ब्लड लाइन के अंदर एक न्यू मेंबर आने वाला है, क्योंकि अभी अभी एक लेटेस्ट फोटो निकल के सामने आई है। यहाँ पर पूरी ब्लड लाइन है सोलो सिको की, और यहाँ पे एक और नया बंदा है जो कि इन सबकी फोटो क्लिक कर रहा है। अब देखो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये बंदा कौन है, क्या एक रेसलर है या फिर कोई आम इंसान है, लेकिन ये फोटो खींच रहा है। ये फोटो मेरे को दिखी तो मेरे को लगा आप सभी लोगों को जरूर दिखानी चाहिए। तो ये ब्लड लाइन की एक लेटेस्ट फोटो निकल के सामने आ रही है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे ग्रेट वन फाइनल बॉस रॉक के बारे में। क्या रॉक का रिटर्न आने वाले स्मैकडाउन के अंदर होने वाला है, जो कि अगले हफ्ते का स्मैकडाउन होगा WWE का, क्या वहां पे हमें रॉक देखने को मिल सकते हैं? आप लोग सोचोगे कि रॉक तो भाई बहुत लेट आने वाले थे, रॉक तो रॉयल रंबल के करीब आने वाले थे। तो आखिरकार मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि रॉक हमें आने वाले स्मैकडाउन के अंदर ही देखने को मिलेंगे? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये खुद डेव मिर्ज़र का कहना है। तो अभी होता क्या है, रिसेंट टाइम में अपडेट निकल के सामने आते कि जो आने वाला स्मैकडाउन होने वाला है उसके लिए WWE को स्टार स्टडेड शो प्लान कर रही है, और यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल तो देखने को मिलने वाला है। कहते हैं कि जो स्टार स्टडेड स्मैकडाउन होने वाला है इसके अंदर आपको मेजर बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार देखने को मिल सकते हैं, रोमरीज भी शायद से आ सकते हैं, लेकिन डेव मिर्ज़र ने कहा है कि हमें रॉक देखने को मिल सकते हैं। WWE अगर कुछ भी स्पेशल करवाने की सोचते हैं तो हमेशा रॉक को बुलाती ही बुलाती है। तो ये जो स्मैकडाउन होने वाला है काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाला है, काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। WWE कुछ भी स्पेशल करवाने वाली हो, कुछ भी खास करवाने वाली हो, तो हमेशा वो रॉक को ही बुलाती है। पहले भी जब 1 तारीख का मंडे नाइट रॉ हुआ था अप्रैल में, तब वहाँ पे हमें रॉक देखने को मिले थे। और अभी भी अगर डेव मिर्ज़र का ऐसा कहना है कि आने वाला स्मैकडाउन स्टार स्टडेड स्मैकडाउन होने वाला है, वहाँ पे कुछ स्पेशल होगा, तो आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि वहाँ पे हमें रॉक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। बाकी क्या आपको लगता है कि रॉक आने वाले स्मैकडाउन के अंदर आ सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सोलो सिको और कोडी रोड्स के बारे में। तो इनको लेकर ये अपडेट है कि अभी तक हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे ना कि इनका मैच में बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलने वाला है, और अभी भी रिपोर्ट निकल के सामने है कि जो इनका मैच हम लोग सोच रहे थे ना बैड ब्लड वाला, ये बिल्कुल कैंसिल हो चुका है, और ये मैच WWE बैड ब्लड के अंदर नहीं करवाने वाली है। तो आप लोग अगर सोच रहे थे कि मैच होगा तो भूल जाओ इसको, आखिरकार क्यों WWE इस मैच को कैंसिल किया होगा? देखो रीजन बिल्कुल साफ है, सोलो सिको इतनी बार कोडी रोड से हार चुके हैं तो एक बार फिर से हारने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ये मैच बैड ब्लड के अंदर होता तो उसमें कोई सुपरस्टार तो आता नहीं, रोमन रेंस तो बिल्कुल आते ही नहीं, तो इस मैच का करवाने का कोई फायदा नहीं। और बहुत बार सोलो सिको स्मैकडाउन के अंदर भी हार चुका है कोडी रोड से, स्लैम के अंदर ऑलरेडी मैच हो चुका है, सोलो सिको बहुत गंदी तरह हार भी चुके हैं कोडी रोड से, तो वापस से इस मैच को करवाने का WWE को कोई सेंस दिखा नहीं, तो WWE अब इस मैच को बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। बाकी ये कुछ अपडेट है सोलो सिको और कोडी रोड्स को लेकर, इनका मैच बैड ब्लड के लिए बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। तो ये कुछ अपडेट थी हमारे आज इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में।